राधे राधे। आज मैं आप सबके लिए मथुरा की एक बहुत ही फेमस स्वीट की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, हम पेड़े बनाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कितने कम इंग्रेडिएंट से हम पेड़ा बना सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं पेड़े। हाफ टेबल स्पून घी, मावा ऐड कर लेते हैं। मावा हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। इस रेसिपी को बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा टाइम मावे को चलाते रहना है, अदरवाइज वो बर्न हो जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स करते रहें। जब ये मेल्ट होने लगे तब हम इसमें, ये देखिए हमारा मावा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे, 5 से 6 टेबलस्पून। कंडेंस मिल्क भी आप रूम टेम्परेचर का लें। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा। यहाँ पर हमने कंडेंस मिल्क लिया है तो हमें शुगर की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा स्वीट खाना पसंद करते हैं तो आप 2 से 3 टेबलस्पून शुगर भी ऐड कर सकते हैं या बूरा ऐड कर सकते हैं। जब ये थोड़ा थोड़ा थिक होने लगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क 1/2 कप और अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से और इसको चलाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं। अच्छे से मिक्स करते रहें क्योंकि अब ये बहुत तेजी से कलर चेंज करेगा। गैस को बहुत ही लो फ्लेम पे रखें। जब ये कलर चेंज होने लगे तो कंटिन्यूसली मिक्स करते रहें। ये देखिए हमारा मावा धीरे धीरे करके कलर चेंज कर रहा है। अब ऐड कर देते हैं 1/2 टेबलस्पून इलायची पाउडर। गैस को टर्न ऑफ कर दें क्योंकि पैन की हीट से भी अभी आपका मावा खुद से पक जाएगा। जब ये थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का हो जाए तो आप इसको ट्रांसफर कर लें किसी बोल में और ठंडा होने के लिए रख दें ताकि आप इसको इजीली शेप दे सकें। ठंडा करने के बाद आप मावे को ग्राइंड कर लें और उसमें 1 से 1.5 चम्मच दूध मिला दें और मिक्स कर लें। तो चलिए शेप देना स्टार्ट करते हैं। ठंडा है तो हम इसको आसानी से हाथों से इसको शेप दे पा रहे हैं। शेप देने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा बूरा कोट कर दूंगी चारों तरफ और एक काजू लगा दूंगी। इसी तरह आप अपने बाकी सारे पेड़े बना लें और सेट होने के लिए रख दें 1-2 घंटे के लिए। तो चलिए अब प्लेटिंग करते हैं।